और यहाँ से सीधे नैनीताल को। कितना बड़ा है। Oh my. जिंदगी में रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। कि ये बच्ची भगवान जी को सुबह 100 रुपए चढ़ा के आई कि मुझे नैनीताल जाना है। हर महादेव दोस्तों, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो यार देखो, दिवाली की तैयारी चल रही है, पूरे मकान पे लाइट लग रही है, ऊपर भैया लोग बैठे हैं। और यार आज का सीन क्या है ना, आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल, तो मेरे साथ देखो कौन कौन लोग है। मेरे साथ है एकता की बहन हर्षिता और निक्की। आज दीक्षा युवान नहीं आ रहे, तो दीक्षा और मम्मी युवान यहाँ आए और हमारे साथ जा रहे हैं। ये हर्षिता, ये एकता की बड़ी बहन है। ये एकता हो गई, नाम मान्या, और हेलो नाम बताओ सौम्या, और ये निक्की। तो अब ये है कि हम यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल को, रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें कवर करेंगे, देखते हैं। मैं तो ना बिल्कुल, मेरा सडन प्लान बन गया, ये पहले निक्की लोग ही जाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, कुछ शॉट्स कवर हो जाएंगे। यार अभी सीन क्या बनाया ना, एक तो अपने भैया की बेटी को लेने उतरी है, उसकी ना स्कूल बस आई है सेंद्रजा की, तो वो अभी आपको दिखाता हूं। रिकॉर्डिंग कर दूं, आपको दिखाता हूं। हमने बच्चों को किडनैप कर लिया अभी कि ये बच्ची भगवान जी को सुबह 100 रुपए चढ़ा के आई कि मुझे नैनीताल जाना है, प्लीज मुझे भगवान जी भेज देना। मेरी मनोकामना पूरी कर दे। देखो क्या किया था, क्या किया था बताओ, बिहारी जी का 100 रुपए। अरे वाह, तो गुड। चलो यार अब चलते हैं, अब हम लोग को जाना है मले के पास, मले को पिक करना है, वहीं से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी। तो भाई यहाँ मले आ चुका है, इसको हमने पिक कर लिया है। तो यार सेटअप हो गया, मैं देखूँ, मैं और निक्की तो आपको दिख रहा है आगे बैठे, ये पीछे मले हैं, एकता है और हर्षिता और वो तीनों बच्चे। चलो तीनों बच्चे हेलो कर दो। तो मले को पिक करने के बाद हम सीधे गए रानीबाग, जहाँ पे स्थित है हमारे शिव जी का मंदिर, और वहाँ पहुँच के हमने शिव जी को जल चढ़ाया। अब आ रहे हैं प्रसाद की बारी, खीर आ चुकी है, इसको प्रसाद मिल गया। निक्की एकता भी धुनी में गए प्रसाद लेने। तो यार दर्शन हो गए, मंदिर चले गए, बस पहुँच गए, ये लोग हमारा वेट ही कर रहे थे। तो यार अब हम सब निकल रहे यहाँ से सीधे नैनीताल को। जा रहे नैनीताल। तो यार खूब धमा चौकड़ी मचाते हुए और मस्ती करते हुए हम सीधे पहुंच गए नैनीताल, और वहां जाके हम गए नैनीताल जू। तो वही नैनीताल हम पहुंच गए, और इस वक्त हम हैं रेखा सीन के मशहूर भुट्टो के स्टोर पे, और ये है रेखा सीन जी। तो ये भुट्टे खिला रही है, और भाई ये ना बोलने की इतनी गजब है ना, मतलब आपको नहीं भूख होगी तब भी भुट्टे एक पीस तो आप खा ही लोगे, तो इसीलिए हम भी खा रहे हैं। देखो हमारे भुट्टे खाने वाले ही स्मार्ट है, इसकी वजह से हम भी थोड़े सोचते हैं कि भाई ये भी अच्छे हो तो खाएं हमारे भुट्टे। मैंने सही कहा था ना आपसे। तो अरे मान्या भी आ गई है, आपको भुट्टा खाना है सौम्या? जिंदगी में रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। लो बहुत ठंडा हो रहा है मले, ठंड कितनी है? काफी है क्या? हमारी ना गाड़ी से जैकेट निकल गई थी, ये कह रहा था हाफ टी शर्ट पहन के चलता हूँ चाचू। परसों तो आया था मैं यहीं, तब तो ठीक हो रहा था, परसों इतना ठंडा नहीं था। भाई जू में हमारी एंट्री हो चुकी है, ये देखो बैग चेक कर, देखो बैग चेकिंग हो रही है कि क्या है इसके अंदर, खाने पीने का सामान नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। गाइड बन रही है, ये हमारे टूर गाइड है, ये जू आती रहती है। तो यार जू में एंट्री लेने के बाद हमने बहुत सारे जानवर जू के अंदर देखे, और अगर आप सारे जानवर देखना चाहते हो तो मैं ये आई बटन पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक एक शॉर्ट बनाया नैनीताल जू के ऊपर, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी डिटेल जानवरों की इस वीडियो से ले सकते हैं। बाकी मेरा फेवरेट तो बंगाल टाइगर है, और उसकी कुछ बहुत ही गजब की और बहुत थ्रिलिंग क्लिप्स मैंने उस शॉर्ट में डाली है, तो जाके देखिएगा ज़रूर। तो जू में पूरा 1.5 से 2 घंटा घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए नैनीताल मार्केट, जहाँ पे हम लोगों ने चाइनाटाउन पहुँच कर डिनर करा। सच में यार बहुत बढ़िया खाना है, तो चाइनाटाउन ना नैनीताल आते तो चाइनाटाउन आओ, खाओ बहुत सही टेस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो सब लगे हुए हैं सारे के सारे। डिनर करने के बाद हम लोग सीधे हल्द्वानी निकले, और जब हल्द्वानी पहुंचे तो हमने देखा यार कि दिवाली का टाइम था, तो घर पे ना मौसी लोग, एकता के भैया, एकता की मम्मी और हमारे भैया, ये सब लोग घर पहुँच गए, तो यार घर पहुँच के ना बड़ा ही मज़ा आया, और फिर हम सब ने बैठ के खूब मस्ती करी। अरे पहन लो सब, पहन लो। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली में यार गेट टुगेदर और गैदरिंग होती है, तो हमारे घर में सेम वही माहौल था, तो बहुत मज़ा आया यार, कार्ड्स खेले, गेम्स खेले, बच्चे अपना गेम्स खेल रहे थे, बड़े अपना गेम्स खेल रहे थे, तो कोई जीत रहा था कोई हार रहा था, तो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। तो मौज मस्ती करने के बाद सारे के सारे अपने घर को वापस जाने लगे, और यार जाने के पहले हमने थोड़े पटाखे फोड़े, तो पटाखे फोड़ के ना बच्चों को अलग ही खुशी हो गई थी, पर हमें भी पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यार पटाखे फोड़ने में किसको मज़ा नहीं आता। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं, आई होप कि आपने ब्लॉग इंजॉय किया, अगर इंजॉय किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होती है मुलाकात आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।